ये जी कुछ नहीं है, किसान आंदोलन के नाम पर भड़काया जा रहा है। भिंडरवाड़ा आतंकवादी था, आतंकवादी है और आतंकवादी रहेगा। किसान आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री बदलो आंदोलन है, इनका बस ना चलते। नहीं तो ये तो इमरान खान को बुला ले, इमरान खान की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। तो बहनों ही है ना इनके, ये जीजा है ना, पाकिस्तान को तो अपना बाप मानते हैं। जी लाठी चार्ज कर दे, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहते हैं लाल करो। ये जो मोदी कवर खोदेगी, ये तो जेएनयू शाहीनबाग में भी नारे लग रहे थे, इनमें और इनमें कोई फर्क थोड़ी है। जी अमित शाह जी, आपको एक पता होगा, अमित शाह जी दो बार बीमार हो चुके हैं, एक बार कोरोना काल में हुए थे, जब राहत इंदौरी टपक गया था, इन्होंने खूब दुआ करी कि उठा ले रात इंदौरी चल बसा। अमित शाह जी के अभी कुछ दिन पहले अभी फिर बीमार हो गए थे, वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे। इन्होंने फिर दुआ करी कि अमित शाह को उठा ले, या अल्लाह उठा ले, या फलाना उठा ले। इस बार अहमद पटेल टपक गया, मोदी जी के मरने की दुआ कर रहे हैं। इनके घर से अर्थियाँ उठेंगे, इनके घर से जनाजे उठेंगे, सारी ही रिश्तेदारी यहाँ पे हरियाणा में, हमारे तो कोई रिश्तेदार नहीं बैठे वहाँ पे। जब जब उनके बिल का कोई किसी विरोध हुआ है तो समझ लेना वो गद्दारों ने विरोध किया। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर, और किसान आंदोलन के अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अब जो खालिस्तानी जो शोर मचाया जा रहा था चारों तरफ, वो अब साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। भिंडरेवाला है, उनकी संगठन की तरफ से पगड़ियाँ बांटी जा रही हैं, बुक्स बांटी जा रही हैं, वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है कि भिंडरेवाला कौन था। अब ये आपको दर्शाता है कि ये खालिस्तानी हैं या नहीं। इससे पहले बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी हैं कि जिनमें नरेंद्र मोदी जी की मरने की कामना तक कर दी गई हैं। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ विकास सहरावत जी हैं। विकास जी, कैसे देखते हैं कि जो लोग कह रहे थे कि खालिस्तानी मूवमेंट है किसान आंदोलन, तो अब कहीं ना कहीं जो पगड़ियाँ या फिर खालिस्तानी जो भिंडरेवाला की जो बुक्स वहाँ पर बांटी जा रही हैं, तो उससे तो कहीं ना कहीं साबित ही हो रहा है अभी। ये जी कुछ नहीं है, किसान आंदोलन के नाम पर भड़काया जा रहा है और वहाँ पे ये फंडिंग हो रही है। जैसे दिल्ली में ये शाहीनबाग में हुआ था, सीएए के प्रोटेस्ट की थी शाहीनबाग में, वहाँ भी पीएफआई की फंडिंग हुई थी, दिल्ली दंगे हुए थे, ऐसा ही यहाँ पे अब ये किसान आंदोलन की आड़ में जो है, मतलब ये ढाल बन के जो खड़े हैं ना हमारे आपके बीच के लोग, जो उनकी ढाल बन के खड़े हैं, 26 जनवरी से पहले ये एक दंगा बनेगा, बहुत बड़ा दंगा, मतलब हमें तो महकार ही है, दंगा बढ़ेगा। जैसे अब आप देख रहे हो पंजाब के अंदर, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, काफ़ी कुछ जगह पे हमारे हिंदू, पंजाबी हिंदू भाइयों को बीजेपी का एजेंट, बीजेपी के कार्यकर्ता बता बता कर उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। दिलजीत दोसांझ, मूसावाला, भिंडरवाला, आतंकवादी था, आतंकवादी है और आतंकवादी रहेगा, इतिहास गवाह, भिंडरवाला आतंकवादी था। और ये भिंडरवाला की तरफ से ये मूसा जो भी है, दिलजीत दोसांझ, इनका जो संगठन है, ये इनको हो रही है फंडिंग, अब ये मुफ्त में पगड़ी बांट रहे हैं। और इन्होंने कही है, एक वो राकेश टकैत है, उसको कोई नहीं मानते, हम तो मानते हैं, किसान की औलाद हम भी है, कि ये किसान आंदोलन नहीं है, हमारे मामा नहीं जा रहे आंदोलन में। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का जो एंगल दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री बदलेगा तभी ये आंदोलन खत्म होगा या बिल वापस हो जाए, अब तो सीधा सीधा दर्शाता है कि ये प्रधानमंत्री को बदलने के लिए कसम खा करके बैठे हुए हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ, जो राकेश टकैत अपने आप को हिंदुस्तान किसान यूनियन का अध्यक्ष कहता है, उसको कोई नहीं मानता, हम नहीं मानते, वो खाली पब्लिसिटी। उसने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जितने मंदिर में पंडित बैठे हैं उनके हिसाब लेंगे, कौन जानता है इसको, ये हिसाब लेगा, इतना बड़ा हिसाब लेने वाला है, अब तक इसको कितनी फंडिंग हुई है, अपना हिसाब दे देगा कि इसके अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना और कहाँ से आ रहा है ये। अब ये कह रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बदलेगा, मतलब 2024 तक, तब तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ, मतलब कि सीधा सीधा स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए इनका प्रोपोगंडा, इनका ये आंदोलन किसान आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री बदलो आंदोलन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सीएम है, जिन्होंने मंच संभाला था, जिन्होंने मंच संचालन किया था, जिन्होंने वहाँ पर भाषण दिए थे, आज वही किसान आंदोलन में आकर के भाषण दे रहे हैं। अब अनुरुद्धि रॉय हैं जो जेएनयू में मुख्य भूमिका में वो दिखाई दी थी, आज वो कल गई हैं और वो कह रही हैं कि जो नामकरण होना था किसान आंदोलन का वो हो गया, किसान आंदोलन को गोदी मीडिया ने खालिस्तानी बता दिया, अब इसलिए मैं आ गई हूँ। और जो साजिश है वो कहीं ना कहीं जो बड़े व्यापक रूप में 26 जनवरी की जो साजिश रची जा रही है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ये आकर ऐसे कीड़े मकोड़े कीटाणु हमारे देश के राजा प्रधानमंत्री, इन बड़वों को ये नहीं पता कि ये मतलब खाली 2-4-10 की वोट से प्रधानमंत्री नहीं बने, देश के 135 करोड़ जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना है, वो देश के राजा है। ये ऐसे भांड वहाँ पे आंदोलन में जाकर उनका पुतला जला रहे हैं,
भगवा झंडे से किसानों के, खलिस्तानियों के जूते चप्पल साफ कर रहे हैं। ये नहीं, अभी तो आपको वहाँ पे कन्हैया कुमार भी देखने को मिलेगा, विनय कुमार आ चुका है, ये अनिरुद्ध आ चुकी है, अभी तो वहाँ पे उमर खालिद जेल में बंद है, ये तो उमर खालिद की बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। इनका बस ना चलते, नहीं तो ये तो इमरान खान को बुला ले, इमरान खान की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। तो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, सरदार जी हैं वो कह रहे हैं कि मोदी को जी लगा करके संबोधित ना करो, पत्रकार अगर उनसे पूछती है कोई तो जी लगाती है कि नरेंद्र मोदी जी, तो उसको जी लगा करके संबोधित मत करो, उनको गाली गलौच करना शुरू कर देते हैं। इमरान खान उनको जीजा नजर आ रहा है, बहनों ही है ना इनके ये जीजा है ना, पाकिस्तान को तो अपना बाप मानते हैं। इनको ये नहीं पता करतारपुर साहिब कॉरिडोर का दरवाजा खुलवाने वाले भी मोदी हैं, उन्होंने कभी जालीदार टोपी नहीं पहनी, कभी भी एक भी फोटो कोई दिखा सकता मुझे पूरे हिंदुस्तान में से, वो पगड़ी पहनते हैं क्योंकि उनको बलिदान, उनको कुर्बानियां याद है गुरु गोविंद साहब की, और गुरु तेग बहादुर जो हमारे गुरु तेग बहादुर साहब थे उनके बलिदान, उनके बच्चों का बलिदान उनको याद है, इसलिए वो पगड़ी पहन लेते हैं। लेकिन ऐसे खलिस्तानी ये जो बड़वे हैं इनको बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि ये पैसों ने इनका जमीर बेच दिया है। अब किसान आंदोलन के अंदर से बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चों से मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अभी अगर हम देखें तो खट्टर की एक किसान पंचायत थी, उसके अंदर उससे पहले कि खट्टर तेरी कब्र खुदेगी इसी ज़मीन पर, और उसके बाद जाकर के उसकी रैली को तहस नहस कर देते हैं, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं देते हैं, वहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। ये किस तरह का आंदोलन है जी? लाठीचार्ज कर दे बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहते हैं लाल करो, बिल्कुल लाल करो, साथ है इंडियन पुलिस और भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट के साथ है, बिल्कुल हर चीज से साथ है। ये जो मोदी कब्र खोदेगी है तो जेएनयू शाहीनबाग में मीनारे लग रहे थे, इनमें और इनमें कोई फर्क थोड़ी है, फंडिंग वहीं से मिल रही है, प्रोटेस्ट करने वाले वही हैं, प्रोपोगंडा क्या है मोदी हटाओ, क्योंकि इनको पता है ना, इन हरामजादों को ये नहीं पता कि ये मोदी वही है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण दिया, इन्होंने कभी देश आज़ाद होते हुए नहीं देखा, इनको कश्मीर आज़ाद मिल गया, 370 खत्म कर दी, तीन तलाक बैन कर दिया, CA लागू कर दिया, राम मंदिर निर्माण हो गया, और क्या चाहिए हिंदुओं को? हिंदुओं की यही डिमांड थी और सारी जो डिमांड थी वो मोदी जी ने पूरी कर दी। अब इनको क्या लग रहा है कि किसान की आड़ में हम हिंदुस्तान को जलाए, ये मूसेवाड़ा भिंडरवाड़ा से इनको फंडिंग हो रही है, फंडिंग में बिक चुके हैं। अच्छा सरावत जी, सबसे बड़ी बात है कि जो रोज़ आंदोलन के अंदर नरेंद्र मोदी जी की मरने की दुआएं की जाती हैं, और ऐसे आंदोलन के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी का खुल के समर्थन है, क्या कहना चाहेंगे जी? अमित शाह जी, आपको एक पता होगा, अमित शाह जी दो बार बीमार हो चुके हैं, एक बार कोरोना काल में हुए थे जब राहत इंदौरी टपक गया था, इन्होंने खूब दुआ करी कि उठा ले रात इंदौरी चल बसा। अमित शाह जी के अभी कुछ दिन पहले अभी फिर बीमार हो गए थे, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे, इन्होंने फिर दुआ करी कि अमित शाह को उठा ले, या अल्लाह उठा ले या फलाना उठा ले, इस बार अहमद पटेल टपक गया, पता है ना आपको, तो कुछ ना होगा, ये जितना नेगेटिव मतलब सोचेंगे ना इनके बारे में, इनको पॉजिटिव मिलेगा, और क्या पता इस बार मोदी की कब्र खोदने में क्या पता। तो बड़ी बात है कि एक और है जो वहाँ के संगीतकार हैं पंजाब के, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि खालिस्तानियों से मोदी जी पंगा मत लो, और जिन जिन्होंने पंगा लिया है उनकी साल से 6 महीने में श्रद्धांजलि हो गई है, तो क्या वो भी यही कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर खालिस्तानियों से पंगा लेंगे तो 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी भी श्रद्धांजलि के काबिल हो जाएंगे? जी ऐसी धमकी तो पाकिस्तान पता नहीं कितनी बार दे चुका है, पाकिस्तान ने भी दी थी कि हमने ये जो परमाणु बम है ईद वगैरह के लिए नहीं रख रखे, तो उनको बाकी आपको पता ही है, चाइना का देख लो आप, चाइना भी अंदर घुसा था, अब चाइना को मुगी खानी पड़ रही है, चाइना को कहाँ भेज दिया, और पाकिस्तान में आपको पता हो पाकिस्तान में कल 24 घंटे की लाइट काट दी गई थी, पाकिस्तान की पूरी ही फोर्स आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, कल रात को पाकिस्तान की फोर्स से 24 घंटा रेड अलर्ट पे था पूरा पाकिस्तान, कभी इंडिया हमला ना कर दे, तो इनकी ऐसी फटी पड़ी है। तो ये जो मोदी जी के मरने की दुआ कर रहे हैं, इनके घर से अर्थियाँ उठेंगे, इनके घर से जनाजे उठेंगे, आने वाला वक्त बताएगा जनाजे उठेंगे या फिर कब्र खुदेगी। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन से ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं कि जिसमें नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, किसान आंदोलन के नाम पर बिल को वापस करने की कसम खा रखी है, जब तक हम हटेंगे नहीं, अगर इस तरह की जो कसमें खाई जा रही हैं और जो जबकि सरकार बराबर वार्ता करने के लिए तैयार है और किसान अभी भी इसी चीज़ पर अड़े हैं और अंदर से चीज़ें समझ में ही आ रही हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बदलेगा तब तक किस आंदोलन चलता रहेगा, तो साफ साफ दर्शा रहा है कि ये तो कांग्रेस से प्रायोजित पूरा आंदोलन हो गया है।
जी मुंह से निकली जबान और शायद कमान में चढ़ा हुआ तीर वापिस होता ही नहीं, कोई वापिस नहीं होगा, कुछ भी करने दो, ये बरक ला के थोड़े दिन की बात है, पैसा जब तक आ रहा है ये सोच रहे बिल वापिस हो जाए। क्या ये बिल का विरोध है या नरेंद्र मोदी का? मोदी का है, वो स्पष्ट है, मोदी का और हिंदुओं का, राम मंदिर का विरोध है, ये प्रोटेस्ट नहीं है जैसे शाहीन बाग में हुआ था सीए, वो सिर्फ 370 तीन तलाक बैन और वो राम मंदिर निर्माण का विरोध था, सेम ये है। ये जितने जो यहाँ पे किसानों के जो वहाँ पे ठेकेदार बने बैठे हैं, किसान आंदोलन ठीक है, किसानों की मांग है तो सरकार सुनने को राजी है, तो अगर किसानों की बात अगर बात बन जाती है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन खत्म हो सकता है, लग रहा है कहीं दिशा किसी दिशा में कि आंदोलन खत्म हो सकता है, या फिर 26 जनवरी को जो चुनौती दी जा रही है सरकार को झुकाने की कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे इंडिया गेट पर, राजपथ पर होकर 60,000 ट्रैक्टर हमारे निकलेंगे, तो क्या वही चुनौती दे करके सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है? कौन सा आंदोलन जी, मैं इसको आंदोलन नहीं मानता। कल क्या देश में पंजाब और हरियाणा के तो इसमें जी मेरे मामा बुआ हमारी सारी ही रिश्तेदारी यहाँ पे हरियाणा में, हमारे तो कोई रिश्तेदार नहीं बैठे वहाँ पे। सच्चा देशभक्त होगा तो इसका विरोध बिल्कुल नहीं करेगा। जी हम तो एक बात मानते हैं, मोदी जी 2014 से लेकर 2021 लग चुका है, जितने बिल लाए हैं सारे देश हित में लाए हैं, जब जब उनके बिल का कोई किसी विरोध हुआ है तो समझ लेना वो गद्दार होने ही विरोध किया। तीन तलाक बैन किया, उस पर किसी मुसलमान बहन बेटियों ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई उनके खिलाफ, उनके हक में था, उनको पता है कि अब उनकी ज़िंदगी स्वर्ग में है, पहले वो दलदल में धकेली जा रही थी, कभी अब्बू के साथ, कभी फुप्पू के साथ, कभी उसको मतलब हिंदुओं में तो 7 जन्मों का साथ निभाते हैं, वचन देते हैं उनको 7-7 शोहर बदलने का, 7 शोहरे बदलने का। तो क्या लगता है कि अब इस किसान आंदोलन का कुछ हल निकल पाएगा या फिर 26 जनवरी को ही देखने को मिलेगा? अब 13 जनवरी को पहले कह रहे हैं कि अडानी का अंबानी का इसका विरोध करेंगे, मतलब अपने ही देश के व्यापारी जो स्वदेशी वस्तुएं बनाते हैं उनका ही विरोध हो रहा है, तो ये कहां से कैसे लगता है कि किसान आंदोलन है, अपने व्यापारियों का विरोध हो रहा है? जी ये आंदोलन खत्म हुआ पड़ा है, सिंगापुर बॉर्डर से लगभग 60% किसान जा चुके हैं, उनको पता है, क्योंकि जी देखो ये खालिस्तानी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस सरकार ने कानून पंजाब में तीनों कानून पास कर दिए, ऐसे मोदी जी हैं उन्होंने जो पास किया है बिल्कुल समर्थन है, सबका समर्थन है। पंजाब और हरियाणा में किसान है क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? दिल्ली में नहीं है क्या? राजस्थान में नहीं है? एमपी में नहीं है? कहाँ नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है? सारे किसान अपने मस्त हैं जी, आज भी अपने गेहूं लगा रखे हैं, अपने उनमें खाद पानी सब कुछ कर रहे हैं, वो नहीं आ सकते क्या? यही मतलब ये दो ही ये पूरे देश को चला रहे हैं, हरियाणा और राजस्थान, ये पंजाब, हरियाणा के जी मात्र 10-20% है और कुछ नहीं है, और वे 10-20% में भी वो फर्जी समाज सेवी और समाज के ठेकेदार